नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। ग्राम पंचायत सचिव की कार शैली से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर लगाए आरोप। सचिव पंचायत भवन में कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। जी हां, ग्राम पंचायत भेसबाया में ग्राम पंचायत सचिव की कार्यशैली से ग्रामीणों को परेशान होकर आज मीडिया से रूबरू होना पड़ा और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाए हैं कि सचिव ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं और ना ही किसी प्रकार की ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित करते हैं व ना ही पंचायत भवन में सचिव कभी उपस्थित होते हैं। ग्राम के भूपेन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि पंचायत के सचिव से सफ़ेद परमिट बनवाने के लिए हम परेशान हो रहे हैं और जब सचिव से फ़ोन पर बात की तो वह अपने घर बुलाते हैं, और इसी तरह के आरोप अन्य ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर लगाए हैं। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। हम साल भर से फिर परमिट धोरो परमिट बनवा भी मोड़ी को नाव लगाने मनो सचिव साहब ने अभी तक परमिट नहीं बनाओ। 100 रुपया की और खेत को तो जान के 100 रुपया लागे जो वो सब परमिट नहीं बनवा पाए तो मोड़ी को नाव नहीं लगवा पा रहे। ये काम है साहब सचिव साहब की, कहूँ नहीं रखा था हमें पंचायत में। और ये मंगलवार को जन सुनवाई रहती है उसमें भी नहीं आज तक जन सुनवाई हुई नहीं क्योंकि सचिव नहीं आएंगे तो कहाँ से जन सुनवाई होगी। अच्छा, और ये पूर्व में आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था जी जनपद सीईओ के लाने दिया, तो उसमें अभी क्या कार्रवाई हुई? सर आज तक कार्रवाई नहीं उसमें क्योंकि सचिव रसूखदार हैं, नहीं तो अभी तक कार्रवाई हो सकती थी। और ये पंचायत में बाकी काम जो रोके पड़े हैं जी जो हो नहीं रहे वो सचिव के कारण नहीं हो रहे साहब, कभी आते ही नहीं है गाँव में। चाहती हूँ इस संबंध में मेरा ये कहना कि पहली बात तो जो जिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया है उनके नाम जन मुझको मालूम होना चाहिए कि किस ग्रामीण ने ऐसा आरोप लगाया, क्योंकि जब यदि हमारा जांच अधिकारी जाएगा तो बिना सबूत के हम उसको पुख्ता नहीं कर पाते जिससे कार्यवाही अधूरी हो जाती है। दूसरी बात, यदि वो पंचायत भवन में जाके काम नहीं करता या पंचायत में रहता नहीं है तो उसकी जाँच कराई जाएगी, जाँच में जो भी बिंदु पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी।